गुड मॉर्निंग एवरी वन. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉपी राइट. इन प्रीवियस चैप्टर आई वॉज एक्सप्लेनिंग वॉट इज़ आई टी एक्ट 2000 प्रोविज़न एंड वॉट इज़ आई एस ओ. एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो क्या होता है आई एस ओ एंड क्या होता है आई टी एक्ट 2000 प्रोविज़न. एंड देर इज़ अ लॉट्स ऑफ चैप्टर्स. इट इज़ 13 चैप्टर्स वी आर डिस्कस कि वॉट इज़ नेचर एंड सर्टिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दिस. बट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉपी राइट्स. वैन वी टॉक अबाउट द कॉपी राइट्स, द वन थिंग्स केम इन टू अवर माइंड की कॉपी राइट्स मतलब कि हमें क्या करना है. हमें सिर्फ कॉपी मतलब किसी थ्रू में कॉपी किया, कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दिया, इट्स कॉल्ड कॉपी राइट. नो, दिस इज़ नॉट ए कॉपी राइट. वैन वी टॉक अबाउट द कॉपी राइट, इट मीन्स द कॉपी राइट इज़ अ लीगल राइट क्रिएटेड बाई द लॉ ऑफ कंट्री एंड द ग्रांट द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट टू इट्स यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन द यूजली अ लिमिटेड टाइम with the intentions of enabling the creator. There is like a photograph, ठीक है, photograph creator, authors, musicians, all of these in the use of copyrights act. An author who is a copyright over some work of his also get his right to reproduce it, and he can stop the other from making copy of the same work, and he can use his work to create derivate work and at the same time disallow other from the creating work based on this original work. What do you mean of this? This mean ki when we talk about the copyrights act and copyrights, they all are related to